ये सवाल ये कर रहे हैं कि क्या मस्जिद में या इसके अतराफ में कुछ रकम मिले तो इसको मस्जिद के चंदे में डाल सकते हैं। जुबैर अहमद है। इसका तो लुकता है, या इसके तो जो भी शराइत है वो पूरे करने के बाद जब ये के उम्मीद जाती रहे इसका मालिक असल मिलने से, फिर अब खुद फकीर है तो रख सकता है, अब ये के किसी और फकीर को दे दे, चाहे मस्जिद के चंदे में भी डाल सकता है, मदरसे के चंदे में भी डाल सकता है। अगर अपने लिए उठाया तब तो ये इस पर वाजिब हो जाएगा कि इसका मालिक तलाश करे, और अब ये कि ये मालिक नहीं मिला, उम्मीद जाती रही, तो अब अपने लिए नहीं रख सकता ये, अब ये फकीर शरई को दे, मस्जिद में भी नहीं डाल सकता, चंदे में भी अब नहीं डाल सकता। तोबा भी करनी होगी कि ये तो बिल्कुल गासिब है, अपने लिए उठाना यानी डाकू एक तरह का है, अपनी नियत से लोग उठा ही लेते होंगे बहुत सारी चीजें, ऐसी चीज कि जो फेंकने का वो उर्फ होता है, फेंकी जाती है, पता है हर मुल्क का अपना अपना उर्फ होता है, तो जैसे रस्सी है, कोई लकड़ी है, तिनका है, इस तरह की डोरी है, कि ये पता है कि ये चीजें फेंक दी जाती है, तो ये उठाने वर्ज नहीं है। बाहर मुल्कों में इस तरह कोई मतलब बाज तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, उसमें वो अच्छी अच्छी चीजें फेंक दी जाती है, वो सोफे और पंखे और अच्छी अच्छी कीमती चीजें, यहाँ यहाँ का कबाड़ी वहां जाकर देखे तो बेहोश हो जाए शायद, यानी ऐसी ऐसी चीजें वहां फेंक दी जाती है, मगर उनकी फेंकने की जगह मखसूस है। बड़े बड़े वो रखे होते हैं जिसमें ये डालते हैं कचरा कुंडी, हमारी तरह कचरा कुंडी नहीं होती कि कहीं कहीं रोज तक कोई पूछने वाला ना हो, वहां तो सफाई का जहन होता है, तो उस जगह पर ये चीजें लोग रख जाते हैं, ये अलामत होती है कि यहाँ रख गए, अब जो चाहे ले जाए इसको, कोई नहीं लेने वाला तो ये उठाकर ले जाते हैं, और ये फेंक आते होंगे या किसी को दे देते होंगे, तो मतलब है फेंकने का तो वहां बहुत कुछ होता है, उन ममालिक में बहुत सारी चीजें फेंकते थे, कपड़े ये लंबे लंबे कुर्ते, और ये पूरे नहीं होते होंगे या इनकी डिजाइन की तरकीब होती होगी, तो ये खत्म, रमजान शरीफ आया कारपेट उखेड़ देंगे, कीमती कारपेट आगे पीछे कर देंगे रमजान की तहजीब में, लेकिन अब फेंकना तो अगर ये माल है तो फिर तो फेंकना गुना होगा, इसको बेच दे या किसी को दे दे, दे भी देते हैं, ये शुयुख करते हैं अरबी शेख, या अपने मुलाजिमों को या लोगों को आमतौर पे दे देते हैं इस तरह के कारपेट, तो जायज है, और ऐसी जगह रख दिया कि कोई यहां से उठा जाएगा तो ये भी जायज है, ये फेंकना नहीं कहलाएगा, अगर ये ऐसा है पता कि यहां से लोग उठा जाएंगे तो, वरना ये तो कोई उठाया नहीं तो फिर ये फेंकने के लिए ले जाते हैं, रोज इनके ट्रक आते हैं, ये जैसे हमारे यहाँ कचरा गाड़ी होती है, तो वहां की कचरा गाड़ियां तो हमारे पानी के टैंकर से भी खूबसूरत होती हैं, साफ सुथरी होती हैं, यूं कह सकता हूं मैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।